किस तरह से समझे अपना स्टेटमेंट। स्मार्टफोन से पहले के दौर की यादें आपके जहन में अब शायद ताजा नहीं होंगी, फिर भी आपको याद होगा हर एक वेबसाइट के लिए कंप्यूटर पर लॉगिन करना होता था, अलग अलग अकाउंट्स के पासवर्ड याद रखने का मुश्किल काम भी करना होता था। ताल्लुक कुछ हद तक उन लोगों से है जो निवेश तो बहुत करते हैं लेकिन जिनके पास CAS या कहें कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे लोग ऐप की इस दुनिया में आज भी इंटरनेट एक्सप्लोरर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। CAS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने सभी म्यूचुअल फंड निवेश को एक साथ देख सकते हैं। अभी तक आपको अगर इसका महत्व समझ नहीं आ रहा है तो इसकी कुछ और खूबियों पर नजर डाल लेते हैं। एक, CAS के जरिए NFO, SIP, SWP, मर्जर, बोनस ट्रांजैक्शन और रीइन्वेस्टमेंट की जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी। दो, CAS आपके निवेश की तमाम जानकारी देने के साथ ही KYC का स्टेटस, म्यूचुअल फंड का ISIN कोड, आपके सभी पोर्टफोलियो का यूनिक क्लाइंट कोड, रजिस्टर्ड ईमेल और होल्डिंग की जानकारी भी देता है। तीन, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुताबिक भी म्यूचुअल फंड्स आपको हर 6 माही में CAS भेजेंगे, जिसमें उस मियाद के दौरान किए गए सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का लेखा जोखा होगा। चार, CAS को हर महीने हासिल करना एक बोनस की तरह हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक महीने के सभी ट्रांजैक्शंस की जानकारी नहीं मिलेगी बल्कि इसमें सिर्फ वही पोर्टफोलियो दिखाई देंगे जिनमें आपने वाकई उसी महीने में निवेश किया होगा। यानी अब आपको खुद के लिए जल्दी से जल्दी जाकर CAS के लिए साइन करना है।